गाइस वेलकम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम कश्यप लाइफस्टाइल। तो आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ एक कंपैरिजन वीडियो जो होगा कि हिमालय के दो फेस वॉश हैं, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है और ऑयली स्किन वालों के लिए कौन सा है, ड्राई स्किन वालों के लिए कौन सा है, ये इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ में बेल आइकन को उसको भी हिट कर ले ऐसे ही रिव्यू वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके प्राइस की। तो ये यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से फेस वॉश है, मेरे पास यहाँ पे है एक ऑयल क्लियर लेमन फेस वॉश और एक है हिमालय का ये नेचुरल ग्लो केसर फेस वॉश। तो प्राइस की बात करें तो लेमन फेस वॉश आपको मिलता है 70 रुपीज़ में, 70 रुपये में मिलता है, 50 ml क्वांटिटी मिलती है, 3 साल तक इसको यूज़ कर सकते हो। ये इसकी डिटेल्स की बात हो गई। और यहाँ पे बात करें केसर फेस वॉश की तो ये आपको मिलता है 75 रुपीज़ में, 50 ml क्वांटिटी मिलती है, 3 साल तक इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस पर सब कुछ मेंशन आप इस पर ट्यूब पे आपको सब कुछ मेंशन मिल जाता है, फ्रंट पे एंड बैक साइड पे। डिटेल की बात करें तो सब कुछ मेंशन मिलेगा और पैकेजिंग आपको सेम ही मिलेगी, बस थोड़ा सा वेरिएंट के हिसाब से कलर चेंज होता रहता है। अब कर लेते हैं बात कि ये क्लेम क्या करते हैं। तो ये है लेमन का फेस वॉश जो कि क्लेम करता है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो अनलाइक सोप फील होगा कि जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो एक्सेस ऑयल तो आपका रिमूव होगा विंटर्स हो या समर हो, बट आपकी स्किन ड्राई और स्टिची फील नहीं होगी। ये जेंटल क्लींजर फेस वॉश है जो कि आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है और ड्राई किए बिना, ये क्लेम करते हैं। और इसके फ्रंट पे भी मेंशन किया गया है कि एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और डीप क्लींजर है ऑयली स्किन वालों के लिए। इसमें लेमन एंड हनी मिक्स किया गया है, लेमन की वजह से आपका एक्सेस ऑयल तो रिमूव होता है बट हनी की वजह से आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाती है। तो ये इसमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मेंशन किए गए, इसके बैक साइड पे भी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन किए गए हैं, अगर आप चाहो तो इजीली पढ़ सकते हो। वैसे मैंने अपने चैनल पे डिटेल रिव्यू दिया हुआ है, डेमो भी शेयर किया है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो इसका डिटेल रिव्यू। तो यहाँ पे मेरे पास है ये केसर हिमालय का नेचुरल ग्लो केसर फेस वॉश। ये जो क्लेम करते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये सोप फ्री फेस वॉश है जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, इसमें कॉम्प्लेक्शन क्लियर करता है, आपकी स्किन को सूट और स्मूथ बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, फ्रेश करता है आपकी स्किन को, एंड इसमें केसर होने की वजह से आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करता है, ग्लोइंग बनाता है, इंस्टेंट ग्लो देता है आपको। ये इन्होंने क्लेम किया है। और बात करें इंग्रेडिएंट लिस्ट की तो इसमें फ्रंट पे ही इंस्टेंट ग्लो लिखा हुआ है और ये रिवील करता है ग्लोइंग स्किन को, इन्होंने फ्रंट पे मेंशन किया गया। और इस पर केसर एंड मिंट है, केसर आपके स्किन के जो कलर को है वो निखारता है एंड मिंट आपके उसको थोड़ा सा सूदिंग करता है। इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट इसके बैक साइड पे बहुत सारी लिखी गई है, बट आप बात करें इनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की तो वो मैंने अपने डिटेल रिव्यू वीडियो में आपसे डिस्कस किया है और डेमो भी शेयर किया है। तो बात करें इन पे सब कुछ डिफरेंस होने की तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ तक कि सारे सेम ही हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होगा क्योंकि ये केसर वेरिएंट है और ये लेमन वेरिएंट है, बस इतना ही फ़र्क होगा और कुछ भी फ़र्क नहीं है। इनके अलग अलग क्लेम्स हैं क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों के लिए है और ये ऑयल स्किन टाइप के लिए है। अगर आप समर में केसर फेस वॉश समर में यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्किन का जो ऑयल है वो हल्का फुल्का नहीं निकाल पाएगा, फेस वॉश हो जाएगा बट ऑयल ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। पर विंटर्स में यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से फेस वॉश कर सकते हो, पर ड्राई स्किन वाले और कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे विंटर्स और समर में दोनों में ही। अब हम बात कर लेते हैं लेमन फेस वॉश की। तो विंटर्स में आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, समर में भी, बट ऑयली स्किन वालों के लिए है ना, ये ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑयली स्किन वालों को कौन सा यूज़ करना है और ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन को कौन सा यूज़ करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर की। तो ये है लेमन फेस वॉश जो कि आपको इस तरह से जेल फॉर्म में मिल जाता है, इसमें हल्के हल्के से ब्लू कलर के बीट्स होते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट जेंटल फेस वॉश है। और यहाँ पर मेरे पास है ये केसर फेस वॉश जो कि बहुत क्रीमी एंड थोड़ा सा टिंट दिया गया है इसको ऑरेंजेस सा और बहुत क्रीमी टेक्सचर है, देख रहे हो अच्छे से फेस वॉश दिख रहा होगा आपको। और ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सा है और ये क्रीमी टेक्सचर है, तो क्रीमी टेक्सचर जो होता है ना वो फेस वॉश बहुत अच्छे से आपकी स्किन को सूद करते हैं, स्मूथ बनाते हैं। तो ये था इनका टेक्सचर। अब बात कर लेते हैं इनकी स्मेल की। तो लेमन वाले की ज़्यादा थोड़ी स्मेल आ रही है और केसर फेस वॉश की इतनी ज़्यादा स्मेल और फ्रेगनेंस नहीं आ रही है। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो दोनों में से अच्छा कौन सा है, ये केसर का फेस वॉश जो कि ऑयल स्किन टाइप है, बट अगर समर में यूज़ करोगे तो आपके ऑयल को क्लियर नहीं कर पाएगा, बट
अच्छे से क्लीन तो कर ही देता है। बात करें यहाँ पे लेमन फेस वॉश की, ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है, ड्राई और कॉम्बिनेशन इसको यूज़ नहीं कर सकती। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिव्यू को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रिव्यू कैसा था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।